शहर के जिंजर स्क्वेयर मॉल में पठान प्रोडक्शन द्वारा मजमुआ द टैलेंट फेस्टिवल सीजन 2 का आयोजन रविवार को किया गया था। जिंजर मॉल में पठान प्रोडक्शन द्वारा मजमुआ द टैलेंट फेस्टिवल सीजन 2 का आयोजन किया गया था, जिसमें किड्स मिस एंड मिस्टर कैटेगरी में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर परफॉर्मेंस दिया। मोहम्मद हसन पठान द्वारा आयोजित इस फैशन शो में नागपुर जिले से प्रतियोगी ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया था, जिसमें सई सावरकर, हेरम सावरकर ये दोनों बच्चे भी शो स्टॉपर रहे। फैशन शो का विनर हूँ। थैंक यू एवरीवन, माय नेम इज सोनाक्षी मादनकर, आई एम 10 इयर्स ओल्ड एंड लिव इन नागपुर। आई स्टडी इन क्लास 6 इन स्कूल ऑफ स्कॉलर अटिलियाउट। आई एम अवार्डेड बाय सेकंड रनर अप अवार्ड इन विजर ब्रांड आइकॉन 2019 एंड नाउ इन मजमुआ विनर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सई सावरकर है, मैं काटोल से हूँ। मुझे हसन पठान सर ने इस शो में शो स्टॉपर बनाया और मुझे हसन पठान सर का शो बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत इंजॉय किया और मैं आगे चलकर एक मॉडल बनना चाहती हूँ। थैंक यू। हसन पठान द्वारा फैशन शो को कोरियोग्राफ किया गया था और 60 से 65 प्रतिभागी इस शो में शामिल हुए थे। आगे भी और बच्चे इस शो में शामिल हो, ऐसा हसन पठान द्वारा कहा गया। गुड इवनिंग, मैं हसन पठान। आज का शो मेरे लिए काफ़ी अनुभवी रहा। इन बच्चों ने मेरे शो में जीतकर मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाया है। इन्होंने शो स्टॉपर के रूप में किरदार निभाया है मेरे शो में और मैं ऐसे ही शो आगे चल के अच्छे फेयर रिजल्ट्स के लिए, ताकि किसी के टैलेंट को आगे बढ़ावा मिल सके, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं और शोज लेकर आता रहूँ। आज मुझे कंटेस्टेंट 60 से 65 कंटेस्टेंट्स ने मुझे सहभाग किया मेरे शो में, उन्होंने हिस्सा बने आकर के, और ऐसे ही करके मैं आगे शोज लेकर आता रहूँगा और ऐसे ही बच्चे अपना टैलेंट दिखाते रहेंगे। मेरी गुजारिश है कि मेरा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और ऐसे ही मेरे शो का नाम हो और बच्चे भी काफ़ी अपना टैलेंट्स आकर के दिखाते रहे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।